नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको हरतालिका तीज व्रत की कहानी सुनाएंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म की याद दिलाने के लिए इस व्रत के महात्म की कथा कही थी। माता पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर बाल अवस्था में 12 वर्षों तक घोर तप किया था। उनके पिता इस तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। तब एक दिन उनकी तपस्या को देखकर नारद जी उनके घर पधारे। उनके पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज प्रसन्न होकर बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं, तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और गिरिराज के विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह की बात जब माता पार्वती के कान में पड़ी तो वह बहुत दुखी हुई। उनकी एक सखी ने उनकी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उनके दुख का कारण जानना चाहा। तब माता पार्वती ने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। अब मैं क्या करूं? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। उनकी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का तो इसमें कारण ही क्या है। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता भी तुम्हें नहीं खोज पाए, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। माता पार्वती ने ऐसा ही किया। उनके पिता उन्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि मैं विष्णु से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से माता पार्वती की खोज करवा दी। उधर माता पार्वती की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उनको वरदान मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप महादेव को अपने समक्ष पाकर माता बोली, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं। उधर माता पार्वती की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उनको वरदान मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप महादेव को अपने समक्ष पाकर माता बोली, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं, तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब भोलेनाथ ततस्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट गए। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज उन्हें खोजते खोजते वहां पहुंचे और उनसे इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय उनकी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों से आंसू उमड़ आए। माता ने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर आऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव से करेंगे। गिरिराज मान गए और उन्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात उन्होंने पूरे विधि विधान से दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फल स्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुवारियों को मनवांछित फल देता हूँ, इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। हे भोलेनाथ,
जिस प्रकार आपने माता पार्वती की मनोकामना पूरी की, उसी प्रकार आपका व्रत करने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।